आज फिर हम एक नया प्रश्न लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या कहे प्रश्न हमारा कि विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या है अंतर है। और यहाँ हमारा क्लास 12th की NCERT फिजिक्स का प्रश्न है कि विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर में देखें आप कि यहाँ नरम लोहे से बनाया जाता है और यहाँ स्टील से बनाया जाता है। अब यहाँ का मतलब आप समझ गए कि विद्युत जो चुंबक है वो किससे बनता है, नरम लोहे से बनता है, और स्थायी चुंबक है वो स्टील से बनता है। क्लियर है। अब आप पॉइंट को यदि समझेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट, तो आपको पूरे अंतर एक के बाद एक अपने आप याद रह जाएगा। पहला पॉइंट आप अच्छे से समझे कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये यहाँ या फिर विद्युत चुंबक जो होता है वहाँ नर्म लोहे से बनाया जाता है और स्थायी चुंबक स्टील से बनाया जाता है। अब ये नर्म लोहे से बना है तो इससे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रहेगा वो अस्थायी ही रहेगा, क्योंकि नर्म मतलब मुलायम चीज़ है, इसको बदला भी जा सकता है। क्लियर है। और स्टील है, थोड़ी सी मजबूत चीज़ है, इसलिए इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहेगी, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा, स्थायी रहेगा। क्लियर है। तो हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा कि इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी होता है और इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्थायी होता है। अस्थायी का मतलब है बदलता रहता है और स्थायी मतलब बदलता नहीं है। क्लियर है। दो पॉइंट हो गए। फिर से आप, यहाँ नर्म लोहे से बनाया जाता है, यहाँ स्टील से बनाया जाता है। नंबर दो, इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी होता है और इससे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ स्थायी होता है। नंबर तीन, अब जब ये चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी है तो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बदली जा सकती है। अस्थायी मतलब कोई फिक्स नहीं, इसलिए बदली जा सकती है, और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं बदली जा सकती। क्या है तीसरा पॉइंट, कि इसकी या फिर विद्युत चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो फिर इससे अच्छा आप इसकी बोले, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदली जा सकती है और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं बदली जा सकती है। नंबर चार है हमारा कि इसके सिरों पर की ध्रुवता बदली जा सकती है। अब इसके जब इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदली जाएगी, यानी कि ध्रुवों सिरों की जो ध्रुवता रहेगी वो भी बदल सकती है, तो इसके सिरों की ध्रुवता बदली जा सकती है और इसके सिरों की ध्रुवता नहीं बदली जा सकती है। क्लियर है। क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो बदली जा सकती है और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं बदली जा सकती, इस प्रकार इसके सिरों की जो ध्रुवता रहेगी वो भी बदल सकती है और इसके सिरों की ध्रुवता नहीं बदली जा सकती। नंबर पाँच पर है कि विद्युत चुंबक अधिक प्रबल होता है। क्या होता है विद्युत चुंबक, क्या होता है अधिक प्रबल होता है और स्थायी चुंबक अधिक प्रबल नहीं होता है, क्योंकि ये बार 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 बदला जाता है, इसलिए क्या होता है प्रबल रहता है और ये नहीं बदलता, इसलिए यहाँ अधिक प्रबल नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इससे मन चाहे जितने हम विद्युत चुंबक बनाए जा सकते हैं इसमें, और इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ प्रबल है और यहाँ अधिक प्रबल नहीं है। प्रबल तो है पर इतना प्रबल नहीं है जितना ये रहेगा। तो आपको अंतर अच्छे समझ में आ गया। एक बार और पूरे पांचों को दोहरा रहे हैं, आपको साथ में बोलना है। नंबर एक क्या था, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर है हमारा। नंबर एक, यहाँ नर्म लोहे से बनाया जाता है, यहाँ स्टील से बनाया जाता है। नंबर दो, इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी होता है और इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्थायी होता है। फिर इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदली जा सकती है और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं बदली जा सकती। नंबर चार है, इसके सिरों की ध्रुवता बदली जा सकती है और इसके सिरों की ध्रुवता नहीं बदली जा सकती। नंबर पाँच, इस विद्युत चुंबक अधिक प्रबल होता है और स्थायी चुंबक अधिक प्रबल नहीं होता है। अब इसको अच्छे से लिख ले, वीडियो को रोक ले, स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसके नोटबुक में लिखते जाएं और अच्छे से अच्छे अंक लाएं।